हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लैंग्वेज एटीमन। एनसीईआरटी क्लास 6 में आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10, नए साम्राज्य और राज्य। देखिए, मैं आप लोगों को हमेशा बताती रहती हूँ कि जो बुक स्कूल में चल रही हैं उनको आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। एक बार उनको रीडिंग तो आपको करनी ही चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपकी इन बुक्स में ही बनते हैं जो भी स्कूल में चल रही होती है। और थर्ड ग्रेड का, सेकंड ग्रेड का, फर्स्ट ग्रेड का यदि आपने एग्जाम दिया है पहले या आप एग्जाम देने वाले हैं तो आप देखेंगे कि यहीं से प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। इससे पहले आरबीएसई की बुक जो चलती थी स्कूल में तो उनसे प्रश्न बनते थे। तो आप बिल्कुल भी गाइडों के पीछे ना भागे और ऐसा भी ना सोचे कि हम इतनी सारी क्लासेस कैसे करेंगे। 6 से 12 तक तो आपके लिए इम्पोर्टेंट ही रहेगी और आपको करना जरूरी ही है यदि आप वाकई में जो है कम्पिटिशन को फाइट करना चाहते हैं। तो ये चीज जो है वो आपके लिए बहुत जरूरी है, एनसीईआरटी को फॉलो करना। अभी बच्चे जो है ऐसे सोचते हैं कि 6 क्लास है, जैसे ही हो जाएगी कंप्लीट हम जो है वो बड़ी क्लासेस को करेंगे, इन क्लासों को करने से क्या होगा। तो उन लोगों को जो है बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा बाद में यदि वो अभी से ही तैयारी जो है वो धीरे धीरे नहीं करना स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज जो है वो तैयारी करना स्टार्ट कर दें, इन चैप्टर को जो है वो पढ़ना स्टार्ट करें। कोई भी गाइड जो है वो आपको किसी भी कंपटीशन को पार कराने में सहयोग नहीं करेगी, ये किताबें ही करेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर है नए साम्राज्य और राज्य। तो नए साम्राज्य और राज्य के बारे में हमें कैसे पता लगा, कहाँ से पता लगा? अशोक में हमने पढ़ा था कि अभिलेखों के, शिलालेखों के माध्यम से पता लगा। इसके बाद के जो राजा हुए हैं तो उनके बारे में हमें कैसे पता लगा? तो प्रशस्तियों के माध्यम से पता लगा। प्रशस्ति यानी कि किसी की प्रशंसा में लिखी गई, ठीक है। तो वही हम आज इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, राजाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं कि राजाओं के बारे में हमें कहाँ से पता लगता है, ठीक है। अरविंद राजा बना। अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया। उसने सोचा था कि वह शाही वेशभूषा में मूंछों पर दाव देते हुए रुपहले कागज में लिपटी तलवार को शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा। जरा सोचो उसे कितनी हैरानी हुई जब उसे बताया गया कि उसे बैठकर वीणा भी बजानी होगी, कविता पाठ भी करना होगा। एक संगीतज्ञ राजा कौन हो सकता है, वह अरविंद सोचने लगा। अब यहाँ पर अरविंद को राजा किसकी बात हम कर रहे हैं? आपने थोड़ा सा अगर दिमाग लगाया होगा, पहले भी आप लोगों ने पढ़ा है कि ऐसा राजा जिसको सिक्कों पर जो है वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, उसकी प्रशंसा में प्रशस्ति भी लिखी गई है, यानी कि कविता जो है वह भी लिखी गई है किसी कवि के द्वारा। तो ऐसा जो है राजा वो कौन था? तो यहाँ पर हम अगर याद करें तो वह राजा जो है, हम यह बात कर रहे हैं समुद्रगुप्त, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो अरविंद है इसको राजा का, समुद्रगुप्त जो है उसका रोल अदा करने के लिए कहा गया है। क्या बताती हैं प्रशस्तियां? तो दरअसल अरविंद जो है गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा जो है समुद्रगुप्त, इसकी भूमिका अदा करने जा रहा था। समुद्रगुप्त के बारे में हमें पता लगता है इलाहाबाद में जो अशोक स्तंभ है उस पर लिखे एक अभिलेख से, ठीक है। इसकी रचना जो है समुद्रगुप्त के दरबार में कवि मंत्री रहे हरिश्चंद्र द्वारा एक काव्य के रूप में की गई है। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे क्या कहते हैं हम? प्रशस्ति। यह संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है प्रशंसा करना। प्रशस्तियां लिखने का प्रचलन पहले भी था, जैसे तुमने अध्याय 9 में गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो आपको ध्यान में आया होगा कि जो गौतमी पुत्र सातकर्णी है तो इनकी जो माँ है इनके दान का उल्लेख जो है वह भी मिलता है, परंतु गुप्त काल में इनका महत्व और भी बढ़ गया। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट आपके लिए है कि गुप्त वंश के जो शासक हैं समुद्रगुप्त, तो उनके बारे में पता इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता लगता है। इसकी रचना किसने की? इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिश्चंद्र ने की, ठीक है। और ध्यान रखें प्रशस्ति जो है एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है प्रशंसा करना। तो ऐसे ही जो है वो आपको नोट करना है यदि आप नोट कर रहे हैं। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, आओ देखें समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है। कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाला राजा, विद्वान, एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की। किस कवि ने? हरिश्चंद्र ने। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बारे में बताया गया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं, यहाँ वैसे ही वाक्य का एक अंश दिया गया है। तो हरिश्चंद्र ने जो है समुद्रगुप्त के बारे में बताया कि एक योद्धा है जिनकी प्रशंसा में कहा, जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, वर्षों, तलवारों, लोहे की गुदाओं, नुकीले तीरों,
अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घाव के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है सिक्के जो दिखाई दे रहे हैं तो ये गुप्त काल के हैं, और समुद्रगुप्त जो है इनको आप देख सकते हो सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो ये जो है संगीतज्ञ प्रेमी थे, इससे ये पता चलता है। अगर तुम मानचित्र 7 को गौर से देखोगे तो पाओगे एक क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया है, तो मैं पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे। उसी तरह कुछ क्षेत्र बैंगनी और नीले रंग के भी मिलेंगे। तो अभी हम जो है देखेंगे मानचित्र को। यह मानचित्र इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। हरिसेन जो है वो 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं, और इन 4 पॉइंट में से एग्जाम में प्रश्न पूछा भी गया है, यदि आपको याद हो कि जो समुद्रगुप्त हैं उन्होंने आर्यावर्त के 9 शासकों, ध्यान रखना है 9 शासकों का, जिन्हें समुद्रगुप्त ने हरा कर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, तो ये बात ये ध्यान रखना। इसके बाद जो है वो दक्षिणापथ के 12 शासक, इनके साथ इन्होंने क्या किया, तो इन सबको हरा कर समुद्रगुप्त के सामने जो है इन्होंने समर्पण किया, लेकिन बाद में समुद्रगुप्त ने इन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी। दोनों लाइनों में क्या अंतर है कि आर्यवर्त के 9 शासकों को हराकर तो अपने साम्राज्य में मिला लिया, वापस नहीं लिया, लेकिन दक्षिणापथ के जो 12 शासक थे इनको क्या किया, इन्होंने जब आत्मसमर्पण कर दिया उसके बाद इनको शासन करने की अनुमति दे दी। पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैंगनी रंग से रंगा गया है। इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल, उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ। अब गण या संघ क्या है, हम पढ़ चुके हैं वज्जी संघ के बारे में, हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 5 में। ये समुद्रगुप्त के लिए क्या लाते थे, उपहार लाते थे और उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे और उनके दरबार में उपस्थित भी हुआ करते थे। बाहरी जो इलाके के शासक थे उनको नीले रंग से मानचित्र में दिखाया गया है, और संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे, इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह किया। तो इन चारों में इंपॉर्टेंट लाइन जो है वो मैं दोबारा से आपको बताती हूँ कि आप क्या नोट डाउन करोगे कि समुद्रगुप्त हरिसेन ने जो है वो प्रशस्ति में, हरिसेन ने जो इलाहाबाद प्रशस्ति है उसमें समुद्रगुप्त के बारे में लिखा कि इन्होंने आर्यावर्त के 9 शासकों को जो हरा कर अपने साम्राज्य में मिलाया, दक्षिणापथ के 12 शासकों को हरा कर समर्पण उन्होंने किया लेकिन बाद में उन्होंने उनको शासन करने की अनुमति दी। इसके अलावा असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गण और संघ, इनको भी जो है ये जो लोग थे ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, दरबार में इकट्ठे होते थे, और जो बाहरी इलाके थे वहां इन्होंने क्या किया, वहां उन्होंने जो जो भी शासक थे उनको हरा कर उनको अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर किया और उनकी पुत्रियों के साथ जो इन्होंने विवाह किया। मानचित्र में प्रयाग यानी इलाहाबाद का पुराना नाम है। उज्जैन और पाटलिपुत्र को ढूंढो, तो ये हमने पहले भी देखा था कि देखिए यहाँ पर है प्रयाग, ये है पाटलिपुत्र बिहार में, ठीक है, और ये है उज्जैन मध्य प्रदेश में, और इलाहाबाद ये है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, इसको प्रयाग कह रहे हैं। वहीं पर देखिए यहाँ पर गुप्त वंश द्वारा जीते गए जो नगर है वो हमें ये जो रेड रेड जो बिंदु दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर जो है इन्होंने गुप्त वंश के जो शासक है इन्होंने इन नगरों को जीता था, ठीक है, याद रखना है। यहाँ पर थानेश्वर, अभी हम आगे पढ़ेंगे हर्षवर्धन के बारे में, तो हर्षवर्धन सबसे पहले जो है वो थानेश्वर यहाँ के राजा बनते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है कन्नौज के लिए जो है त्रिपक्षीय संघर्ष भी होता है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। मथुरा के बारे में हमने पहले भी जाना था, एक धार्मिक केंद्र था, व्यापारी केंद्र भी था, ठीक है। और भरूच जो हमने देखा कि ये एक जो है वो क्या था, पत्तन था, बंदरगाह था, ऐसे जो नाम आते हैं तो इनको आपको ध्यान में रखना है कि हमने इनके बारे में कुछ ना कुछ तो पढ़ा है। वल्लभी जो है वो गुजरात में है, ये ध्यान में रखना है। अजंता महाराष्ट्र में है, ठीक है, यहाँ आप देखिए सातवाहन वंश जो है इनका शासन रहा है। अमरावती देखिए यहाँ पर आंध्र प्रदेश के पास में अमरावती है। ऐहोल है, चालुक्य शासकों ने यहाँ पर शासन किया, ठीक है, केरल कर्नाटक साइड में। अच्छा चेर देखिए, चेर, ठीक है, चेर शासक जो है ये दक्षिण में केरल साइड में, या फिर ऐसे भी आप पूछा जा सकता है एग्जाम में कि चेर शासकों का शासन जो है वो किस क्षेत्र में रहा, तो आप ध्यान रखें कि ये जो है वो पश्चिमी साइड है, ठीक है, दक्षिण पश्चिमी साइड में। उसके बाद देखिए मदुरै पांड्यों की राजधानी, ठीक है, चोल शासक यहाँ थे, तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, ध्यान रखना है
चेयर जो है वह पश्चिमी साइड में है और चोल जो है वह पूर्वी साइड में है। इनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। फिर देखिए, इन्होंने अपनी राजधानी जो चोलों ने महाबलीपुरम को बनाया, ये अर्कामेडु है, यहाँ पर पोहार है, ठीक है। तो जो आंतरिक राज्य थे, आंतरिक राज्य ये जो आपको पिंक कलर में नजर आ रहा है, ये आंतरिक राज्य थे जहां पर समुद्रगुप्त ने अपना शासन किया। बाहरी जो क्षेत्र थे, तो यहाँ पर इन्होंने विवाह के द्वारा इनको जो है वो अपने साम्राज्य में मिलाया। इस तरीके से आपको ये क्षेत्र ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं वंशावलियां। अब वंशावलियां क्या होती हैं, जहां पर पूरी वंश के बारे में पता लगता है कि उनके जो है पिता कौन थे, पिता के पिता कौन थे, उनके दादाजी कौन थे, दादाजी के और उनके भी पिता कौन थे, यानी परदादा कौन थे। तो ये हमें वंशावलियों के से पता चलता है। तो अधिकांश प्रशस्तियां शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती हैं। यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के प्रय पितामह पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती है। उनकी माँ कुमार देवी लक्ष्मी गण की थी, ठीक है। किसकी माँ? समुद्रगुप्त की माँ कुमार देवी थी और वह लक्ष्मी गण की थी और पिता का नाम है चंद्रगुप्त। ये गुप्त वंश के पहले शासक थे। एक है चंद्रगुप्त मौर्य, वो मौर्य वंश के शासक है और ये चंद्रगुप्त जो है यह गुप्त वंश के पहले शासक है, समुद्रगुप्त के पिता। इन्होंने महाराजा अधिराज की उपाधि धारण कर रखी थी और समुद्रगुप्त जो थे उन्होंने भी यही उपाधि धारण की थी। इससे पहले के जो राजा होते थे इनके दादा और परदादा, उन्होंने महाराजा की उपाधि धारण की थी। इस तरीके से जो है इससे आप पता चलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। तो समुद्रगुप्त के पिता और समुद्रगुप्त स्वयं ने महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की थी, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इससे पहले के जो शासक थे इनके दादा परदादा, उन्होंने महाराज के रूप में अपनी उपाधि को धारण किया था। अब इधर बॉक्स में देखो विक्रम संवत। विक्रम संवत कहेंगे 58 ईसा पूर्व को। इसमें प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि समुद्रगुप्त के बाद के राजा है, चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ध्यान रखना है विक्रमादित्य किसको कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने कब धारण की थी ये उपाधि? जब शकों को इन्होंने हराया था, तो इस विजय उपलक्ष में इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और विजय के प्रतीक के रूप में विक्रम संवत की स्थापना की, ठीक है। समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों, जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की जो वंशावली है उससे जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों सिक्कों से पता चलता है। उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम जो शक शासक थे उनको परास्त किया। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। इनमें से कुछ के बारे में जानकारी अध्याय 11 में मिलेगी। तो अध्याय 11 में जो है वो हम उनके बारे में देखेंगे। तो ये हमने जो है समझ लिया है कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय है उनके बारे में जानकारी जो है वंशावली से भी जो है मिलती है, ठीक है। और उन्होंने जो है शक शासकों को परास्त किया था, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट देखिए हर्षवर्धन तथा हर्षचंद। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में पता लगता है अभिलेखों से, सिक्कों से, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसे ही एक राजा थे हर्षवर्धन। इन्होंने 1400 साल पहले शासन किया और इनके दरबारी कवि थे बाणभट्ट। इन्होंने संस्कृत में इनकी जीवनी लिखी हर्षचरित। तो ध्यान रखना है हर्षचरित हर्षवर्धन के बारे में लिखी गई है। किसने लिखी है? संस्कृत भाषा में बाणभट्ट ने। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। चीनी जो तीर्थयात्री है स्वेन सांग, जिनके बारे में तुमने अध्याय 9 में पढ़ा था, तो ध्यान रखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, पहला चीनी यात्री पायान आया, फिर स्वेन सांग आया और फिर इत्सिंग आया, ठीक है। तो चीनी यात्री जो स्वेन सांग है काफी समय तक जो है हर्ष के दरबार में रहा। उन्होंने वहां से जो कुछ देखा उसका विवरण जो है उन्होंने किया। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु होने के बाद थानेसर के राजा बने। तो ये मैंने आपको मैप में दिखाया थानेसर। उनके बहनोई जो थे कन्नौज के शासक थे, तो कन्नौज को भी मैंने आपको दिखाया था। तो जब बंगाल के शासक जो थे, बंगाल के शासक उन्होंने इनको मार डाला था, तो हर्ष ने कन्नौज को पहले अपने अधीन किया और बंगाल पर आक्रमण किया। तो सबसे पहले जो है हर्षवर्धन ने किसे अपने साम्राज्य में मिलाया? तो ध्यान रखना है बंगाल को जीता था उन्होंने सबसे पहले, ठीक है। कन्नौज को अपने अधीन कर लिया, उसके बाद सबसे पहले बंगाल पर आक्रमण किया था।
मगध तथा संभवतः बंगाल को जीत कर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली उतनी सफलता उन्हीं जगहों पर अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी नदी का नाम ध्यान रखना है, नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की तो उत्तर भारत में तो इनको सफलता मिलती चली गई, लेकिन जैसे ही नर्मदा नदी को पार करके दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की तो चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। ठीक है, तो आगे जो है इनको बढ़ने नहीं दिया। पल्लव चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियां, तो इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। दक्षिण भारत में मैंने आपको दिखा दिया है, जो पूर्वी दक्षिणी भाग है वहां मैंने आपको दिखाया पल्लव थे, ठीक है, और पश्चिमी भाग मैंने आपको चालुक्य दिखाया। तो ये दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश हुए। पल्लवों का जो राज्य है, पल्लवों ने अपनी राजधानी कांचीपुरम को बनाया था, तो पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था, जबकि चालुक्य जो थे उनका राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। ठीक है, तो दोबारा से जो है वो हम मैप में देखते हैं, पल्लवों की राजधानी जो थी वह कांचीपुरम थी। तो ये देखो, ठीक है, ये थे पल्लव नरेश, यहाँ पर आप देख रहे हो पल्लव, उनकी राजधानी इन्होंने कांचीपुरम को बनाया था। चालुक्य नरेश जो है यहाँ पर थे, इन्होंने अपनी राजधानी ऐहोल को बनाया था। तो ये दक्षिण भारत के जो है वो प्रमुख राजवंश रहे हैं। ठीक है, तो आप मैप को जो है वो बार बार थोड़ा देखें वीडियो को पोस्ट करके, तो आपको ये चीजें याद रहनी चाहिए। यह एक व्यापारिक केंद्र था, ऐहोल जो था वह एक व्यापारिक केंद्र था, धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया, जिस तरीके से मथुरा बना था जहाँ कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे, यानी पल्लव कभी चालुक्यों पर आक्रमण करते, कभी चालुक्य पल्लवों पर। मुख्य रूप से राजधानियों को ही निशाना बनाया जाता था जो कि समृद्ध शहर हुआ करते थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे, उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। ठीक है, इसमें उनके पूर्वजों खास तौर से पिछली चार पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला। ठीक है, अब इसमें जो है इस पूरे जो पैराग्राफ में आप क्या नोट करोगे कि चालुक्यों की राजधानी थी ऐहोल। ठीक है, व्यापारिक केंद्र के साथ साथ धार्मिक केंद्र भी था, और सबसे प्रमुख जो शासक था पुलकेशिन द्वितीय था। इसने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी पार नहीं करने दिया था। इसका जो दरबारी कवि था वह था रवि कीर्ति। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना। रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व और पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ होता है आनंद। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा, यानी उत्तर भारत में वो धीरे धीरे जो है सभी शासकों को हरा कर अपने साम्राज्य में मिला रहा था, लेकिन दक्षिण भारत तक नहीं पहुंच पाया, तो अब जो है पराजित हुआ, तो कहा गया है कि हर्ष जो है वो अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम के दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी, पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए। अब कोई भी लड़ाई होती है तो उसका जो रिजल्ट होता है तो वह खराब भी होता है, सही नहीं होता है, क्योंकि दोनों ओर से ही धन जन की हानि होती है। ठीक है, तो एक दूसरे पर जो है वो आक्रमण करते रहे, कभी चालुक्य पल्लवों पर और कभी पल्लव चालुक्यों पर। धीरे धीरे जो है वो दोनों वंश जो है वो कैसे हो गए, दुर्बल कमजोर हो गए। पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूटों और चोल वंशों ने समाप्त किया। तो चालुक्यों को जो है पल्लव तो नहीं हरा पाए, लेकिन और महत्वपूर्ण जो वंश रहे राष्ट्रकूट वंश, ये बहुत ही जो है शक्तिशाली वंश था राष्ट्रकूट वंश और चोल वंश, इन्होंने किसको समाप्त किया था, चालुक्यों को, जिसके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ोगे। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से पढ़ेंगे कि ये जो राज्य थे इनका प्रशासन जो है वह कैसे चलता था। ठीक है, तो प्रशासन का माध्यम तो भूमि कर ही था। ठीक है, और डिटेल में जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप इसको जो है वीडियो को पॉज करके मैप को देख कर जो है आप सभी जो भी चीज मैंने आपको बताई है इनको ध्यान में रखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।